विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। सबसे ज्यादा विस्तृत चुनाव अभियान और सबसे ज्यादा जनता को संपर्क करने वाला चुनाव अभियान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लोकतंत्र का एक महोत्सव मानती है, सिर्फ ये कहने की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री ने शायद ही देश का कोई ऐसा कोना रहा होगा जिसके अंदर फरवरी से लेकर मई तक दौरा नहीं किया हो। फरवरी से लेकर मई तक के चुनाव अभियान के अंदर ढेर सारी जगहों पे कार्यक्रम हुए। चुनाव की घोषणा के बाद, अभियान की शुरुआत की बात करें तो 28 मार्च 2019 से मेरठ से उत्तर प्रदेश से हमने शुरुआत की और कुल 142 जनसभाओं को मोदी जी ने संबोधित किया है, 4 रोड शो किए हैं और इन जनसभाओं में कंजर्वेटिव अनुमानित संख्या 1,50,00,000 से ज्यादा लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने सीधा संपर्क स्थापित किया था। लगभग 10,000 से ज्यादा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मंच के नीचे मोदी जी ने संवाद कर चुनाव के कामकाज का जायजा लिया है और ढेर सारी योजनाओं के लाभार्थी को के साथ चुनाव अभियान की व्यस्तता में भी नीचे जो उनके लिए पंडाल बनता है सभा के पीछे वहां मुलाकात की। आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या दिव्यांगों को जिनको सहायता मिली है, ये सारे दिव्यांगों के साथ बातचीत करना, ऐसे लगभग 7,000 से ज्यादा लाभार्थियों के साथ उन्होंने संवाद किया है और योजना नीचे तक पहुंची नहीं पहुंची इसकी पूछा भी करी है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के फीडबैक और हमारे फीडबैक के आधार पर मैंने 2 दिन भी पहले भी आप लोगों को बताया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया है, मगर मैं फिर से एक बार आज रिपीट करना चाहूंगा कि 23 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि हम 300 से ज्यादा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मित्रों, ये चुनाव अभियान के अंदर मोदी जी ने ढेर सारे साक्षात्कार भी किए हैं, ढेर सारे प्रिंट मीडिया को भी इंटरव्यू दिए हैं और एक दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंपर्क प्रधानमंत्री जी ने किया हो ऐसा चुनाव अभियान अब कुछ क्षण में ये प्रेस वार्ता की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएगा। तो उस वक्त आप सब भारतीय जनता पार्टी की बीट के पत्रकार भाइयों बहनों के साथ हम अपनी संतोष और खुशी दोनों शेयर करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। अब मैं हम सब की ओर से